न्यूजीलैंड के, जैसा भी आपने कहा कि नुमाया खिलाड़ी जो हैं वो पाकिस्तान को छोड़कर इंडियन प्रीमियर लीग खेलने को अहमियत दे रहे हैं, पाकिस्तान में नौजवान खिलाड़ी मौजूद हैं, न्यूजीलैंड सीरीज का ये आलम है, आप देखें कि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? ऐसा है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की जो सीरीज है इसको नजर लग गई है, जब इतनी ज्यादा क्रिकेट खेलोगे नजर तो लग सकती है ना। फिक्सर एक मुल्क फरोज, जमीर फरोज एक गद्दार, उसको क्यों वापस लाया गया जो वर्ल्ड कप के दौरान बैठ के हमारे प्लेयरों की, शाहीन की, बाबर की, पाकिस्तान क्रिकेट की धजियां उड़ा रहा था। रिटायरमेंट वापस लेने वाले टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, ऑलराउंडर इमाद वसीम भी न्यूजीलैंड के मुकाबले पर तमाम मैच नहीं खेलेंगे और टीम मैनेजमेंट रोटेशन पॉलिसी के तहत उनको फाइनल 11 में शामिल करेगी। उनके टॉप क्रिकेटर्स ने पैसा बनाने की तरफ तरजीह दी और ये दुनिया में हो रहा है, ये सिर्फ न्यूजीलैंड पहली टीम नहीं है, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के मुख्तलिफ खिलाड़ी अपनी नेशनल टीम को छोड़कर आईपीएल खेलते हैं और उनका बोर्ड उन्हें इजाजत देता है। जैसे कैसे करके पाकिस्तान के शायकीन को इस बात की तो उम्मीद थी कि न्यूजीलैंड की कमजोर टीम ही खेलेगी, लेकिन हमें एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी, खासतौर पर मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, इनकी वापसी हो रही है। यार हमें कुछ बैठ के सोचना चाहिए, हमारे साथ क्या हो रहा है, मतलब हम इंग्लैंड में इंग्लैंड के खिलाफ खेले, वो उनकी कोरोना की वजह से सारी टीम बाहर बैठ गई, फिर भी हार गए। कुछ लोग कह रहे हैं कि सी टीम है न्यूजीलैंड की, कुछ लोग कह रहे हैं डी टीम है, लेकिन हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अहम खिलाड़ी इस सीरीज में न्यूजीलैंड टीम का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट उनकी गुलाम है, उनकी मर्जी से रन आउट की, पहले अपनी मर्जी का लोग लगवा लेते हैं, अपनी मर्जी की बातें करते हैं, अल्लाह ताला की देखे कितनी बड़ी मार है। मैं दिखाया कुछ और था और खिला किसी और के साथ दिया, ये किस किस्म की तैयारी होगी कि ये खिलाड़ी तो पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगे नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ जब वर्ल्ड कप में वो जाएंगे तो उनके सारे के सारे नुमाया क्रिकेटर वापस आ जाएंगे, उनकी टीम के तजर्बे में, उनकी कुव्वत में, उनकी सलाहियत में, उनकी हिकमत अमली में, उनकी अमल दरामद में जो प्लान वो बनाते हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा। शाहीन शाह अफरीदी इस वक्त, मैं पूरी ईमानदारी जिम्मेदारी मेरे हाथ का लगाया हुआ पौधा है, इसकी 11 में जगह नहीं बनती। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज के स्टार्ट में ही खतरे की घंटियां बज गई हैं, परेशान कुन खबरें आ रही हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज की। जो मैं अपने बेटे को गोली मार दूंगा अगर वो मेरा मुल्क बेचेगा। नहीं दोस्तों, तो दोस्तों आपको बता दें कि न्यूजीलैंड की मेन टीम न आने के कारण इन पाकिस्तानियों का इतना ज्यादा रोना स्टार्ट हो गया है कि आप सोच नहीं सकते। वहीं ये बातें कर रहे हैं कि आखिरकार न्यूजीलैंड की मेन टीम हमारे वहां क्यों नहीं आई, जबकि वो लीग खेल रहे हैं और अपने इंटरनेशनल मैचेस को मतलब पीछे कर रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आईपीएल की ब्रांड वैल्यू कहां है। और ये पाकिस्तान वाले जो बार बार कंपेयर करते हैं आईपीएल और पीएसएल का, इनको पता चल गया है कि आईपीएल की कितनी पावर है कि इसके आगे न्यूजीलैंड की मेन टीम मतलब पाकिस्तान को बॉयकॉट कर दिया है और आईपीएल को प्रिफर कर रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी आईपीएल की ब्रांड वैल्यू है। न्यूजीलैंड के, जैसा भी आपने कहा कि नुमाया खिलाड़ी जो हैं वो पाकिस्तान को छोड़कर इंडियन प्रीमियर लीग खेलने को अहमियत दे रहे हैं, पाकिस्तान में नौजवान खिलाड़ी मौजूद हैं, न्यूजीलैंड सीरीज का ये आलम है, आप देखें कि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, कहां स्टैंड कर रहे हैं? देखिए बात यह है मीरा कि अभी जब न्यूजीलैंड की आप पाकिस्तान आमद की बात करते हैं ना, इसके दो पहलू हैं। आप इसको इस तरीके से देखें कि उनके टॉप क्रिकेटर्स ने पैसा बनाने की तरफ तरजीह दी और ये दुनिया में हो रहा है, ये सिर्फ न्यूजीलैंड पहली टीम नहीं है, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के मुख्तलिफ खिलाड़ी अपनी नेशनल टीम को छोड़कर आईपीएल खेलते हैं और उनका बोर्ड उन्हें इजाजत देता है, पहली बात। दूसरी बात, ये बहुत सारे लोग आईपीएल छोड़कर अपनी नेशनल टीम की तरफ भी जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही पैट कमिंस को पिछले साल देख लें, जब उन्होंने एशेज की तैयारी करना थी, और अब इस वक्त में आप जब देखते हैं कि अगर वो उनके 12-14-15 खिलाड़ी नए आ रहे हैं पाकिस्तान खेलने के लिए, हमारे लिए सीखने को क्या है? यार हमें कुछ बैठ के सोचना चाहिए, ये हमारे साथ क्या हो रहा है, मतलब हम इंग्लैंड में इंग्लैंड के खिलाफ खेले, वो उनकी कोरोना की वजह से सारी टीम बाहर बैठ गई, फिर भी हार गए। बिल्कुल ऐसे ही है। साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान खेलने के लिए गया, सीरीज के फैसला कुन मैच में उनके टॉप 3-4 कैरेक्टर्स जो हैं वो छोड़कर आईपीएल खेलने के लिए आ गए, ठीक है। आप न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आ रही है, उनके सारे के सारे टॉप क्रिकेटर्स जो हैं वो आईपीएल खेल रहे हैं, आप कह रहे हैं जी हमने वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है, दावा यही होगा ना। अब क्या वो वर्ल्ड कप में यही खिलाड़ी न्यूजीलैंड की तरफ से खेलेंगे जो यहाँ पर खेल रहे हैं? वो तो सारे के सारे उनके टॉप क्रिकेटर्स वापस आ जाएंगे। फिक्सर एक मुल्क फरोज, जमीर फरोज एक गद्दार, उसको क्यों वापस लाया गया जो वर्ल्ड कप के दौरान बैठ के हमारे प्लेयरों की, शाहीन की, बाबर की, पाकिस्तान क्रिकेट की धजियां उड़ा रहा था। जय रजाक एक शो में एक टॉप चैनल के इतनी घटिया गुफ्तगु कर रहा था जिसकी इंतहा नहीं, ये मेरे पाकिस्तान की क्रिकेट ने दिखाया कुछ और था और खिला किसी और के साथ दिया, ये किस किस्म की तैयारी होगी कि ये खिलाड़ी तो पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगे नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ जब वर्ल्ड कप में वो जाएंगे तो उनके सारे के सारे नुमाया क्रिकेटर वापस आ जाएंगे, उनकी टीम के तजर्बे में, उनकी कुव्वत में, उनकी सलाहियत में, उनकी हिकमत अमली में, उनकी अमल दरामद में जो प्लान वो बनाते हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा, तो आप कहां पर स्टैंड करेंगे? सो पाकिस्तान के लिए ये लम्हा फिक्रिया, ये तशवीशनाक है। गुज़िश्ता कई माह से, कई बरस से ये बात हो रही है, आज भी पाकिस्तान में इस बात को शिद्दत के साथ करने की ज़रूरत है कि आपकी क्रिकेट का मैार बदकिस्मती से ये इतना नीचे चला गया, और अगर ये तनजली इसी तरीके से बरकरार रही ना तो पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में और मुश्किलात होंगी। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, अगर मेरा बेटा मेरा मुल्क बेचे मैं उसे गोली मार दूंगा।
मैं अपने बेटे को गोली मार दूंगा अगर वो मेरा मुल्क बेचेगा। मैं 6 साल रिश्ता का सदर था, आज फिर सदर बना हूं तो इसलिए बनाया गया हूं कि मैंने अपने बच्चों को नहीं सारी कौम के बच्चों को, खैबर से कराची, आप कराची में सिवाय सरफराज के बाकी लोगों को आपकी बात नहीं, जनरल उन्हें और कोई कराची का प्लेयर नजर नहीं आता, खुर्रम मजहूर सिर्फ अली सलमान बात करता है, फवाद आलम सिर्फ अली सलमान, खालिद लतीफ अली सलमान, ये बाकी असद शफीक अली सलमान, ये आपके अलावा सिर्फ एक मोहसिन अली है जो इन सबकी आवाज उठाता है, सबका नाम लेता है। क्यों कराची में सिर्फ सरफराज अहमद है ये 4-6 लोगों को बुला के रोटी डाल देता है, दैट्स इट। ये गलत बात है। इस वक्त शाहिन शाह अफरीदी प्लेइंग 11 में, अगर आप मुझे ईमानदारी से पूछे, उसकी जगह नहीं बनती, कप्तानी तो दूर की बात है। हमारी ये जो बहस है ना कि क्रिकेट बोर्ड में कौन रहेगा, कौन सिफारशी है, कौन सिफारशी नहीं है, ये तो हमारा कल्चर है, सिफारिश के बगैर तो हमारा कल्चर मुकम्मल नहीं होता। लेकिन ये सारी बहस उस वक्त खत्म होगी या ये बहस बेमानी होगी जब पाकिस्तान टीम जीतने लगेगी। अब 2 इंटरनेशनल टीमें इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। अब ये अब से तकरीबन 6 हफ्ते बाद T20 वर्ल्ड कप होना है अमरीका में। हमने सिर्फ वहाब रियाज को इसलिए पाकिस्तान टीम का सीनियर मैनेजर बना दिया कि वो PCB की पॉलिसीज पर अमल दरामद कराएंगे, वो वर्कलोड मैनेजमेंट को उस पर अमल दरामद करवाएंगे, वो टीम मैनेजमेंट को ये बताएंगे कि किस खिलाड़ी को आराम दिया जाए और किसको खिलाया जाए। देखिए ये सारे तजुर्बात माजी में भी होते रहे, लेकिन मसला ये कि क्या पाकिस्तान टीम इस वक्त तो चले, हमारे पास ये जो 5 मैचेज हैं, हल्की टीम आई हुई है, इसमें हमने जितने तजुर्बात करने हैं कर लें, जिसको आराम देना है दे लें, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान टीम का हनीमून पीरियड खत्म हो जाएगा। फिर जब हम आयरलैंड पहुंचेंगे, इंग्लैंड जाएंगे और वहां से अमेरिका और वेस्टइंडीज जाएंगे, असल इम्तिहान पाकिस्तान टीम का इन 5 मैचेस के बाद होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आपको पता है सुबह कोई है, दोपहर को कोई है, शाम को कोई है, यहाँ तो कोई आवे का ही बिगड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा मौसम भाई, आपने कप्तानी की बात की तो ये तो आपने खुद ही बता दिया कि जी जिस तरह से भी हैंडलिंग हुई है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन शाहिद आफरीदी का भी एक स्टेटमेंट आया, वो मुसलसल ये बात करते रहे कि रिजवान को कप्तान होना चाहिए, रिजवान को कप्तान होना चाहिए, लेकिन जगत शाह साहब ने कहा इन्होंने तो कभी मुझसे रिजवान की कप्तानी की बात ही नहीं की, ये तो मुझसे शाहिन शाह आफरीदी का कहते रहे, तो ये क्या जगत शाह साहब की तरफ से, क्योंकि आप मुझसे बेहतर इन लोगों को जानते हैं, उनकी तरफ से क्या ये मिस स्टेटमेंट है, या आप समझते हैं कि शाहिद आफरीदी की तरफ से जो कुछ कन्फ्यूजन जो है वो पैदा की गई है या करने की कोशिश की गई है? दोनों ही एक जैसे हैं, दोनों एक जैसे हैं, दोनों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। हमारी जो 25 करोड़ आवाम है उसको दिलचस्पी नहीं है कि PCB का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कौन है या पंजाब गवर्नमेंट से 4-5 अफसरान कौन लोग आए, उनकी जो दिलचस्पी है या वो जो देखना चाहते हैं पाकिस्तान टीम को ऊपर देखना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम जो आखिरी सीरीज टेस्ट सीरीज खेले वो 3-0 ऑस्ट्रेलिया से हार गए, फिर हम न्यूजीलैंड से 4-1 T20 सीरीज हार गए, तो अब हमें जो भी इकदाम करने हैं वो पाकिस्तान टीम को ऊपर लाने के लिए करना पड़ेंगे, जो भी फैसला करने। अब हमने गैरी कस्टन को व्हाइट बॉल का हेड कोच बना रहे हैं, गैरी कस्टन तो इस वक्त IPL में मसरूफ है और अगर उनकी टीम फाइनल नहीं भी खेलती IPL का तो वो T20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान टीम पहले पाकिस्तान में नहीं आ सकते। तो ये प्लानिंग कौन करेगा पाकिस्तान टीम की कि हमने वर्ल्ड कप में किस टीम के साथ जाना और वहाँ किस तरह की क्रिकेट खेलनी है? नहीं नहीं, हमारे साहब बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा हाफिज साहब, लेकिन देखा जाए तो बड़ी जबरदस्त सिलेक्शन टीम जो है वो हमारी सिलेक्शन कमेटी बन चुकी है, वहाब रियाज हैं, मोहम्मद यूसुफ हैं, आप देखने के अब्दुलरजाक हैं, सिलेक्शन टीम तो हमारी बेहतरीन है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से इन पाकिस्तानियों का रोना धोना स्टार्ट हो गया कि आखिरकार न्यूजीलैंड की जो मेन टीम है वो हमारे वहां क्यों नहीं आई है, जबकि ये CD टीम आकर पाकिस्तान में खेलने जाएगी। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि IPL की कितनी पावर है कि जो मेन प्लेयर है सभी देशों के वो इस समय IPL खेल रहे हैं, बाकी मतलब पाकिस्तान के खिलाड़ियों को छोड़कर, क्योंकि इन पाकिस्तानियों को IPL मुंह नहीं लगाता है, क्योंकि जिस तरह से इन पाकिस्तानियों के करतूते हैं इसको कोई भी देश अपने वहां खेलने नहीं देना चाहती है। वहीं आपको बता दें कि इसीलिए न्यूजीलैंड की अपनी सी टीम भेजी है पाकिस्तान में, ताकि ये पाकिस्तान वाले सी टीम को हराकर या जीतकर मतलब खुश रह सकें। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने इन पाकिस्तानियों की बेइज्जती की है, क्योंकि ये पाकिस्तान वाले ज्यादा उछलते हैं, कहते हैं कि मतलब हमारी टीम दुनिया की नंबर 1 टीम है, लेकिन जिस तरह से IPL ने इन पाकिस्तानियों के मुंह पर तमाचा मारा है और न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने स्पेशली इन पाकिस्तानियों के मुंह पर तमाचा मारे हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड अपने मतलब मेन खिलाड़ियों को IPL खेलने के लिए बोली है और बाकी खिलाड़ियों को जो बचे खुचे खिलाड़ी हैं उनको भेज दिया है न्यूजीलैंड मतलब पाकिस्तान सीरीज के लिए। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि IPL की ब्रांड वैल्यू और IPL की पावर कितनी है, कि इसके आगे इंटरनेशनल लेवल की जो टूर्नामेंट होती है वो फीका पड़ जाती है, इंटरनेशनल लेवल का सीरीज फीका पड़ जाता है।
आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से आईपीएल की ब्रांड वैल्यू है और आईपीएल की पॉपुलैरिटी है, और जिस तरह से थ्रिलर मैचेज हो रहे हैं आईपीएल में, उसको देखकर इन पाकिस्तानियों के होश उड़ गए हैं। क्योंकि अभी पिछला मैच जब सनराइजर्स हैदराबाद और आरसीबी के बीच हुई थी, उसमें 550 से भी ज्यादा का स्कोर बना। आप समझ सकते हैं कि एक ही मैच में 40 ओवर में दोनों पारी मिलाकर 550 रन बनाना मतलब काफी ज्यादा टफ होती है। इन्हें आईपीएल में हो सकती है, जिस तरह से आईपीएल में थ्रिलर मैचेस हो रहे हैं उसको देखकर सभी लोग हैरान हैं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है कि न्यूजीलैंड ने इन पाकिस्तानियों के मुंह पर सही किया, तमाचा मारकर सही किया नहीं, हमें अपनी राय कॉमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।